दिल्ली में मौजूदा जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के लिए समय मांगा। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान को लेकर मांग की है। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली में हालात कब बेहतर होंगे यह बता पाना मुश्किल है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने जानकारी दी है कि उनकी तरफ से और पार्टी के बाकी विधायकों की तरफ से जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को एक पत्र लिखा गया है और यह मांग की गई है कि वह मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत एक्शन लें। और पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली को पर्याप्त पानी देने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी कहा जाए। आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी लें। हम सब दिल्ली के विधायकों की तरफ से आज उन्हें एक पत्र लिखकर यह निवेदन कर रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं कि ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अगर आपका मंत्रालय उठा ले, केंद्र की सरकार उठा ले, तो इस भीषण गर्मी में दिल्ली के ऊपर मंडराते जल संकट के बादल छट सकते हैं। दिलीप पांडे ने कहा कि पत्र में पाटिल से भी मुलाकात करने के लिए रविवार का समय मांगा गया और कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके दिल्ली की मौजूदा हालत की पूरी जानकारी देना चाहते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और दिल्ली की समस्या दूर होगी। दिलीप पांडे ने कहा कि दिल्ली इस वक्त सबसे बड़े जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली में गर्मी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। यही कारण है कि मौजूदा हालत और भी ज्यादा खराब है। दिलीप पांडे ने कहा कि मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सभी दलों को एक साथ मिलकर दिल्ली वासियों की समस्या का समाधान खोजना चाहिए। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।